माई सेल्फ लोकेश कड़स्कर। तो आप सब लोगों ने व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपने 500 सब्सक्राइबर हो चुके, अब अपने नेक्स्ट जर्नी के 1000 सब्सक्राइबर आपको पूर्ण करने हैं। तो अभी जो है, अभी बज चुके हैं 11, तो अभी जो है हमको भूख लगी है। तो घर पे मैं कोमल हूँ, तो हम दोनों ने मिलकर कुछ सोचा है कि बिरयानी बनाते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो आप सब लोग हमारे व्लॉग में बने रहिए लास्ट तक, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। बिरयानी कौन सी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट करते समय आपको रिव्यू भी मिलेगा। तो प्लीज़ आप हमारे व्लॉग में बने रहिए, और अभी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब अभी से कर दीजिएगा, और व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। सो चलो चलते हैं बिरयानी बनाते हैं। सबको जैसे पता है कि हम बिरयानी बनाने वाले हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है कि अभी हम कौन सी बिरयानी बनाने वाले हैं। तो अभी आप कौन सी बिरयानी बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं एक बिरयानी। तो अभी जो है हम बनाने वाले हैं एक बिरयानी। तो एक बिरयानी के लिए क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या लगता है, वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे बनाते हुए अभी। तो आप ब्लॉग में जरूर बने रहिए। और आज के शेफ है हमारे ये कोमल कड़स्कर, तो ये बनाएंगे आज बिरयानी। तो चलो देखते हैं इनके हाथ की टेस्ट कैसी लगती हो, आप देखना जरूर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोमल ने जो है अभी एक बॉईल करने के लिए हम रख रहे हैं, तो हमने 3 एग्स लिए हैं। तो अभी हम जो है पहले एक को जो है बॉईल कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और हमारी जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहेंगी वो रहेंगी कटिंग की। शुरू है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है हमारी चॉपिंग जो कि हमने कर चुके हैं, हमने वेजिटेबल्स वगैरह जो भी हमको बिरयानी के लिए लगता है वो हमने कट कर लिया है। ये हमने टोमेटो है, ये ओनियन है, ये कोथिंबीर है, और ये जो है लहसुन, और इसकी जो है पेस्ट हमने बनाई है वो भी है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते जो हमने एग डाले थे वो बॉईल हो चुके हैं। तो अभी जो है इसके जो है ऊपर के छिलके हम निकाल लेते हैं, और अपनी जो नेक्स्ट प्रोसीजर उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है बिरयानी बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम उसको स्टार्ट कर देते। जो हमने जो है ये हमारा 1950 का कुकर जो हमने रख दिया है इसके ऊपर। मजाक कर रहे हो गाइस, ये नया ही है लेकिन थोड़ा पुराना लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब जो है हम डालने वाले हैं इसमें हल्दी। हल्दी डाल दी है। उसके बाद में ये है नमक, नमक भी हमने डाल दिया है। ये आलू, आप सोच रहे होंगे कि अंडा बिरयानी में आलू कैसे, तो हमारे जो शेफ है इनका मानना है कि डाल सकते हैं, अच्छी टेस्ट आती है। ऊपर से जो है हमने जो एग्स डाले हैं, एग्स को हमने कट कर लिया, और उसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया ताकि वो अच्छे से भून सके। मास्टर शेफ जो है बनाने जा रहे हैं, बेंगलोर से लाए हमने ये शेफ। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। और गाइस जो है हमने जो है इतने राइस लिए है, हम दो लोग हैं तो हमारे लिए इतने इनफ है। और ये हमारी कटिंग जो कि आपने पहले आपने देख चुकी है, थोड़ी सी जो है खा भी लेते हैं हम। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये है पीनट्स। तो बिरयानी में वैसे पीनट्स होते नहीं है, लेकिन जो हमारे शेफ है इनको पीनट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनके खातिरदारी में हमने जो है पीनट्स भी डालने को बोल दिया है। ये हमारी रेसिपी है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये हमारे हमने बनाई है, तो हमारा कस्टमाइजेशन है, तो चलेगा, हमारे को सब कुछ चलता है। तो जैसा कि गाइस आप सबको पता है कि बिरयानी बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो है बिरयानी का मसाला। तो उसकी चॉइस बहुत ही सिंपल है, अपने पास से एवरेस्ट का बिरयानी मसाला, मैंने ये पहले भी यूज़ किया है तो इसकी टेस्ट काफ़ी अच्छी है, तो मेरे को ये पसंद है। आप अपने चॉइस पे है कि आपको कौन सा डालना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि डालिए एवरेस्ट का ही, काफ़ी अच्छी टेस्ट है इसकी। तो हम सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे थोड़ा सा, और फिर इसमें मेन इंग्रेडिएंट हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम अदरक लहसुन वो डालेंगे। और उसके बाद में जो सारे खड़े मसाला रहता है जैसे कि इलायची, पीनट्स, लौंग, ये सारी चीजें अब हम इसमें डालने वाले हैं।
ये गए हमारे जो भी सब कुछ मसाले। इसके आगे वो कोमल ही बताएंगे क्या डालना है क्या है। तो इसको अच्छे तरीके से एक बार मिला लीजिए आप गाइस। थोड़ा लाइटिंग का इशू हो चुका है बिकॉज लाइट चली गई है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसको अच्छे तरीके से होने देना है ताकि आपकी बिरयानी अच्छी हो जाए। और टमाटर अब डालेंगे हम इसमें प्याज, उसके बाद में टोमेटो। इसको जो है अच्छी तरीके से मिला लीजिए आप। टोमेटो और ओनियन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाना है आपको। इसको ब्राउनिश तरीके से होने देना है। गैस की फ्लेम हम थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं अभी। कितने मिनट तक होने देना है इसको? 2 मिनट तक। 2 से 5 मिनट आप बोल दे सकते हैं अच्छे। अगर आपने गैस बढ़ाया है तो 5 मिनट, नहीं तो फिर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब जो है हम हल्दी डालने वाले हैं इसमें। उसके बाद में रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर जो कि बहुत संभाल के डालनी पड़ती है बिकॉज बहुत ज्यादा भी हो जाती है कभी कभी। समझ रहे हो आप? तो आप संभाल के डालिए, आपको टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए थोड़ा बहुत। फिर इसके बाद में हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा बहुत धनिया पाउडर। फिर हम इन सारे मसालों को एक बार वापस से इसको अच्छे तरीके से मिला सकते। इम्पोर्टेंट अपना बिरयानी मसाला डालेंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला था हम एवरेस्ट का यूज़ करने वाले, तो हमने जो है बिरयानी मसाला डाल दिया। ये काफ़ी अच्छा है। मसाला डालने के बाद ही इसकी एक अलग सा टेस्ट आता है। तो मसाला बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अच्छा मसाला। अब जब तक मसाला होता है तब तक हम हमारा जो राइस है इसको एक बार धो लेते हैं। चलो राइस को अब वॉश कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तब तक ये हमारा पकने देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अच्छे तरीके से जो है मसाला पक चुका है अभी। अब जो हमने एग्स थे अब हम उसको एक बार फिर से डाल देंगे। अभी हम जो है एग्स को डाल देंगे उसके अंदर। तो अब हम इसमें राइस डाल देंगे जो हमने अभी राइस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अभी बारी है राइस को डालने की, तो हमने राइस अभी डाल लिया है। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर राइस। हम इसमें डालेंगे वाटर डालने के बाद काफी अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे धनिया, बहुत सारा फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल दिया है। अभी बस इसको एक बार घुमा लेना है और उसके बाद में जो है उसको बंद कर देना है और 2 सीटी होने तक पकने देना है अच्छी तरीके से। हमने वो सब कुछ मिक्स कर लिया है और अभी जो है हम इसको बंद कर देते हैं और अब जो है हम इसको 2 से 3 सीटी आने तक पकने देते हैं और फिर अपनी बिरयानी बन के रेडी। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। एक बिरयानी दिखने में काफ़ी जो है लजीज लग रही है, ओनियन नींबू अंडा बिरयानी तो काफ़ी अच्छी बनी है। तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। तो गाइज अपनी बिरयानी बन के रेडी हो गई। मैंने जैसा कि बोला था आपको कि मैं रिव्यू दूंगा, तो देखते हैं कैसी क्या हो गई है। बॉइल हो चुका है एक भी अच्छी तरीके से। बिरयानी काफ़ी अच्छी बनी है और सब कुछ जो है मसाले वसाले एकदम प्रॉपर बन चुके हैं। साथ में प्याज हो तो और मज़ा आ जाए। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, कोमल ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है।
तो अभी कोमल से भी पूछेंगे कैसे बनी है। बहुत बढ़िया। गाइस, हम काफी दिनों के बाद मैं घर की बिरयानी खा रही हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो कैसी लगी आपको? मैंने बनाई है तो मुझे तो अच्छी लगी, बट सच में काफी अच्छी बनी है। सो गाइस, जैसे कि आप सबने देखा कि बिरयानी वगैरह हमने दिखाई आपको, कैसी बनाई, क्या बनाई, हमने खाई, बहुत ही अच्छी बनी। अब चाहिए अच्छी खासी एक आधी नींद। तो हम आप सोते हैं, अब आपका काम होता है शुरू। तो अभी तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर और यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतनी मेहनत करते हैं आप सबके लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, तो प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी 500 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, जल्दी से जल्दी 1000 बना दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।